बरेली के नवाबगंज के चर्चित सुबराती हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। पुलिस की हिरासत से भागा हुआ मुख्य आरोपी बनने तीसरे दिन भी नहीं आ सका। पुलिस के हाथ तलाश जारी। बरेली जनपद के नवाबगंज थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ सुबराती हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनने को तीसरे दिन भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे दो आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया है। मालूम हो कि बुधवार की रात को सुबराती हत्याकांड का नामजद आरोपी बनने पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसका पुलिस आज तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा सकी। आरोपी की तलाश में आज भी पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी ओर इस हत्याकांड के नामजद दो आरोपियों इसरार व आबिद को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सुबराती और बन्ने के बीच लेन देन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते बन्ने ने अपने साथियों की मदद से गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि पूछताछ के लिए लाए गए बन्ने, जो कि पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है। बरेली नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे सुबराती हत्याकांड के जो आरोपी जेल गए हैं, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। ये सुबराती जागीर था जिसकी हत्या हुई थी, इसके संबंध में जब पुलिस वालों ने जान पड़ताल की उसमें कुछ नाम प्रकाश में आया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसरार उर्फ नन्हू और बन्ने और एक आबिद तीन लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की थी। जब पूछताछ में जानकारी में आया कि बन्ने और सुबराती का कुछ विवाद चल रहा था पैसे को लेन देन के लेकर के, इसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि बन्ने और सुबराती पूर्व में दिल्ली से जेल गए थे, उनके चोरी के कई मुकदमे थे, वहीं पर जब जेल से छूट के आए तो कुछ पैसे को बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद गहराता चला गया। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया और उसको मर्डर कर दिया। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी, गलत बढ़ते या कोई हत्या? पोस्टमार्टम में तो विसरा प्रिजर्व आया, चूँकि शव काफ़ी दिनों बाद मिला था तो उसमें ये मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसको ले गए थे गन्ने के खेत में और इन्होंने रुमाल से उसका गला दबा दिया था, तीनों ने पकड़ करके उसके काम किया था। सर, एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि जो बन्ने जो कस्टडी से फरार हुआ है, ये क्या कहना? ये इसमें सुबराती मर्डर केस का अन्य जो अभियुक्त बन्ने है, ये थाने पूछताछ के लिए आया था, ले आया गया था और पूछताछ के बाद ये शाम को यहाँ बैठाया गया था कार्यालय में, तभी ये लापरवाही से मुंशी और हमारे संतरी पैरा होमगार्ड के लापरवाही से भाग गया। उसके पीछे लगातार दबिश चल रही है, टीमें बना दी गई हैं अलग अलग, हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी इसमें। थैंक यू।